नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा के गुड़ चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन का छापा, शांति क्लिनिक सील, यूनि डायमंड पैथोलॉजी पर खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। कई दिनों बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचकर आज गुड़ चौराहे में एक अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी और एक अवैध क्लिनिक, जिसमें अंदर 4-5 बेड डले थे, नर्सिंग होम की जांच की, दोनों के कागजात पूरी तरीके से नहीं मिले, मौके पर कोई भी जिम्मेदार नहीं मिला, जिसके चलते क्लिनिक सील कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक पैथोलॉजी पे कार्रवाई जारी थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बारे में हमने यतीश शुक्ला, नायब तहसीलदार से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, गुड़ चौराहे पर अवैध रूप से एक पैथोलॉजी और एक अवैध क्लिनिक कम नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा था। इसकी हमें पिछले कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। हमने गुपचुप तरीके से जांच कराई। जांच में शिकायत सही पाई जाने पर आज स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इन संस्थाओं में ना ही कोई लाइसेंस प्राप्त हुआ, ना ही कोई डिग्री प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। खबर लिखे जाने तक यूनियन डायमंड पैथोलॉजी पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही थी, वहीं शांति क्लिनिक को सील कर दिया गया है। कार्रवाई को लेकर हमने नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमारे पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी, हमने शिकायत को जांच कराई, जांच में हमें सारी बातें पता चली। आज हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ यहां पर जांच की है, जांच में अभी तक हमें कोई कागजात नहीं मिले, जिसके चलते हमने एक अवैध क्लिनिक जिसके अंदर कुछ बेड भी पड़े थे उसको सील कर दिया है, शांति क्लिनिक को। वहीं दूसरी ओर पैथोलॉजी पर हमारी कार्रवाई जारी है। सुनिए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज एक पैथोलॉजी और क्लिनिक पे लोगों पे ये हमको गुड़ चौराहे के पास दो दुकानें जो पैथोलॉजी के नाम से क्लिनिक के नाम से संचालित हो रही थी, उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के संबंध में लेकर के आज मौके से यहाँ जांच की गई DHO1 के साथ, जहाँ पर पाया गया कि ये दोनों जो क्लिनिकें हैं उनको जो वैधानिक के पास से लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नहीं है। और एक क्लिनिक है वहाँ पर 3-4 बेड भी लगे हुए थे, एज ए वो नर्सिंग होम टाइप का संचालित हो रहा था। और जो ये पैथोलॉजी है यूनि डायमंड करके, इनके पास भी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है और कोई भी डिग्री पात्र व्यक्ति इनके यहाँ नहीं बैठा हुआ है। उसी के संबंध में यहाँ पर जाँच कार्यवाही अभी जारी है। संबंधित व्यक्ति जन जो भी आएंगे, जैसे भी उनके साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, वैसे कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक क्लिनिक जो थी हमने शांति क्लिनिक, उसको अभी सील कर दिया है, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे मौके पर। ऐसे ही कार्यवाही पैथोलॉजी में भी हम करने जा रहे हैं। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।